भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां कैथल में उन्होंने जनसभा को संबोधित कर चुनाव अभियान का आगाज किया। शाह ने भरोसा जताया कि हरियाणा में इस बार 75 सीटों के पार वाली भाजपा सरकार बनने जा रही है। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ कैथल से कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को उतारा है। रैली में अमित शाह ने विपक्षीय कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, अभी अभी चुनाव शुरू हुआ है और हमारे विरोधियों को मालूम भी नहीं पड़ रहा कि चुनाव की शुरुआत पूर्व से करें, पश्चिम से करें, उत्तर से करें या दक्षिण से, उनके पास कोई दिशा ही नहीं है। अमित शाह ने अपने भाषण में कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का भी जिक्र किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट किया है, राहुल गांधी ने धारा 370 हटाने का विरोध किया है। अमित शाह ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी हरियाणा की जनता के सामने आकर बताएं कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ वे क्यों थे। लगता था कि अब क्या हो सकता है, मगर इस बार मोनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बालाकोट के अंदर हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर वो अपने जवानों का बदला देकर वापस। और मैं बताना चाहता हूं, एक भी जवान अपना मारा नहीं गया। और जब अपने जवान वापस बदला लेकर आए तो दुनिया में देश को देखने का नजरिया पूरा बदल गया। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।